Morning, all of you. Today we are going to continue with the same chapter, Physical Features of India, Class 9 Geography, Chapter 2. And yesterday we had learned about the transverse sections of the Himalaya. We have drawn the Himalayan region, Himalayan mountains. The red lines indicate the three parallel sections of the Himalaya, which we have already studied. The three parallel sections of the Himalayas are Himadri, Himachal, and Siwalik. And yesterday we had learned the transverse section. The yellow line intersects the red line at almost right angle. They cut the red line at perpendicular angle, almost perpendicular angle. Hence they are known as the transverse section of the Himalaya. First one, in the western part, it is Western Himalayas. In the eastern part, it is known as Eastern Himalayas. So, these two are very clear, Western Himalaya and Eastern Himalaya. In between, we have Kumau Himalaya, a small fragment, and then we have the Central Himalaya, or maximum part of it lies in Nepal, which is why it is also known as Nepal Himalaya. What is the limit of the Western Himalaya? It lies between Indus and Satluj. It lies between Indus River. Here somewhere Indus River is there and the Satluj River is there. In between them, they are the Western Himalaya. Then again, Satluj and Kalindi, it is known as the Kumau Himalaya. Then between Kalindi and Tista, it is known as the Central Himalaya. Tista and Dihang, it is known as Eastern Himalaya. All these things are mentioned in the text. So, can show some rivers also. So these are indicative, all right. Somewhere here is called Kali River is there. This is Kali River. This is Satluj. This is Indus. This is Tista. And then somewhere we are meeting Dihang or Brahmaputra. We identify the transverse sections and Western Himalaya. Can you tell me any state from the location, from the map of India? Can you tell me any state? कोई ऐसे स्टेट का नाम बता सकते हो जो वेस्टर्न हिमालय और ईस्टर्न हिमालय? हाँ, वेरी गुड रुचि, बता दी है सबसे पहले कि वेस्टर्न हिमालय का एक स्टेट का नाम जम्मू कश्मीर है. वैभवी का आंसर आ गया, जम्मू कश्मीर हिमाचल. थोड़ा पंजाब भी आ जाता है, पंजाब जम्मू कश्मीर हिमाचल आ जाता है. वेरी गुड. ऐसे ही नेक्स्ट जब हम कुमाऊं हिमालय की बात करते हैं तो कुमाऊं हिमालय के लिए भी हमको पार्ट्स ऑफ उत्तरांचल, पार्ट्स ऑफ हिमाचल एंड पार्ट्स ऑफ यूपी. सेंट्रल हिमालय के लिए पार्ट्स ऑफ यूपी, पार्ट्स ऑफ बिहार आ जाता है. बाकी तो नेपाल में है ही. इधर से जो है थोड़ा बहुत सिक्किम ले लिए और इधर में हमारे अरुणाचल हो गए, असम हो गए. हाँ, इट इज ऑल्सो नोन एज असम हिमालय. ईस्टर्न पार्ट जो है वो असम हिमालय हो गया, उसमें थोड़े बहुत सिक्किम के पार्ट आ जाते हैं. राइट, तो ये हम लोग जो है फिजिकल फीचर्स जो है हम लोगों का थोड़ा 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 करके जो है आगे बढ़ रहा है. क्लियर हो गया. अब जो है दिस इज द सिंबल फॉर ए माउंटेन पीक. एक छोटा सा ट्रायंगल होगा और उसको हम लोग जो बोलते हैं, ठीक है. और कुछ चोटी जो हिमालयाज में हम लोग पढ़ते हैं और चोटी के बारे में अगर हमको कोई जानकारी है, हम एक नाम की जानते हैं, तुम लोग को बताना है बाकी.
अब जो है 4 5 दो नाम तीन नाम तुमको बुक से ढूंढ लेने हैं और यहाँ पे लिस्ट में बता देना इम्पोर्टेंट थिंग्स। चलो देखते हैं कौन टाइप करेगा पहले। हमने तीन लिख दिया, माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट, K2 और कंचनजंगा। अरे वेरी गुड, एक आ गया, माउंट मकालू आ गया है, रुचि कुमारी के तरफ से और भी बहुत सारे नाम आ गए हैं। जल्दी जल्दी इंडिया का मैप देखो और उसके बाद तिवारी जी, तिवारी जी, ठीक है। हाँ, धौलगिरी मकालू और नंगा पर्वत होगा। वेरी गुड, बुरला मंदाता, धौलगिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा। वाह वाह वाह, सबके पास लिस्ट हो गए। कामेत मकालू, ऐसे ही गैसर ग्रुप, मैसर ग्रुप, पूरे लिस्ट हमारे पास हिमालयाज के मिल जाएंगे, जहाँ यहाँ कई सारे जो है हम लोग जो है लिस्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ, नंगा पर्वत, नंदा देवी है, नंदा देवी है, नंगा पर्वत है। ठीक है, नंगा पर्वत मतलब वहां कोई पेड़ पौधे नहीं है। हाँ, और ऐसे ही अभी चलो हो गया। हाँ, अन्नपूर्णा रेंज है, अन्नपूर्णा जो है वो रेंज है, माउंटेन पीक भी है। तो इस तरह से हम लोग जो है कुछ सिंपल नाम और स्पेलिंग जो याद हो जाए उतना ही, और बाकी तुम्हारा पर्सनल इंटरेस्ट जितना रहेगा उतना तुम एटलस से ढूंढ सकते हो, इंटरनेट से ढूंढ सकते हो, किताबें पढ़ के ढूंढ सकते हो, उसमें कोई लिमिट नहीं है। नहीं, ग्लेशियर का नाम का लिस्ट बनाओ, हम एक जानते हैं, हम एक लिख दिए सियाचेन। अभी तुमको 2 3 4 5 लिखना है और टाइप करके भेजने हैं ग्लेशियर। एक ग्लेशियर हमको पता है। चलो तुमको बुक से जल्दी जल्दी कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स के बारे में अगर बुक में इंफॉर्मेशन है तो वो ढूंढ के बताओ। वेरी गुड, चलो नेक्स्ट काम आ गया। और कोई नाम देखते हैं कौन टाइप करता है। सियाचिन, गंगोत्री, 2 हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड, पिंडारी। चलो, और जेमू, वेरी गुड, जेमू ग्लेशियर। चलो पिंडारी, जेमू, गंगोत्री, नामिलाम। चलो मिला पल्टोरो। हाँ, पटूरा ग्लेशियर, ऐसे ही अगर नेट से मिल जाएगा बहुत सारे, और जो है हम लोगों को यहाँ पे भी बहुत सारे ग्लेशियर्स का नाम है। एक और बहुत कॉमन है, यमुनोत्री। ग्लेशियर, हाँ, माउंटेन है, पीक है, ढेर सारे ग्लेशियर है, इतने नाम भी हम नहीं दे पाएंगे जितने वहां ग्लेशियर है। 1 लाख 1.5 लाख से ज्यादा ग्लेशियर है, 1 1.5 लाख से ज्यादा ग्लेशियर है, इतने नाम हमारे पास नहीं है। तो ये जो है कुछ मेन ग्लेशियर्स है जिनके बारे में तुम एक लिस्ट बना लो और नेट और एटलस और आगे की किताबों से जो मिल जाएगा वो तुम लिख सकते हो।
है, चलो इसको हम रिमूव कर दे रहे हैं। ग्लेशियर हो गया, माउंटेन रेंज बना दिए हैं और उसके सिंबल दिखा दिए हैं इसमें भी। माउंटेन रेंज का नाम तुमको बताना, चलो ऐसे ही टाइप करके भेजो हमको। काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, दो हम लिख दिए हैं। चलो वेरी गुड वेरी गुड। पांगर जो है वो माउंटेन रेंज नहीं है, पांगर जो है वो प्लेन है, एक स्ट्रक्चरल प्लेन है और उसमें ओल्ड एलुवियल सॉइल से जो बने हुए होते हैं। तो कुछ हमको चैट में चेक कर लेना है, कुछ आंसर तो आ गए हैं। पीर पंजल है, कैलाश है, ये सब तो है ही। वेरी गुड। तराई नहीं है, तराई जो है वो भी एक तरह का जियोग्राफिकल टोपोग्राफिकल ये है। सातपुरा अभी जो है ना, हम लोग तो माउंटेन रेंज, सातपुरा तो रेंज है लेकिन अभी हिमालयन रेंज तो पहले पढ़ेंगे। सुलेमान रेंज पाकिस्तान में है, सुलेमान करतार जो है वो पाकिस्तान में है। टीएन शान कुंदुंग, हिंदुकुश भी इंडिया से बाहर है, अफगानिस्तान के पास है। तो थोड़ा इंडियन साइड पे ही पहले नाम मिल जा रहा है, इतना काफी है। काराकोरम, लद्दाख, जैसकर, पीर पंजाल। हवनगिरी, हाँ, सातपुरा जो है ना वो इंडिया का सेंट्रल पार्ट में है, विंध्या और सातपुरा। ठीक है, तो अभी तो माउंटेन रेंज हिमालय वाला पहले कोशिश करते हैं, कुछ नाम मिलता जाए। रेंज ईस्टर्न साइड में ईस्टर्न हिमालयस का भी जो है बहुत सारा नाम मिल जाएगा, बुमला, बमडीला। खासी गारो जयंतिया, वेरी गुड। खासी गारो जयंतिया, इस तरह से हमको जो है मिल जाएगा। हाँ, पूर्वांचल रेंज आ गया, पूर्वांचल में ही ये सब आ जाएंगे, नागा, मिजो, कचकाई, ये सब पूर्वांचल हिमालय के रेंजेस है। और बाकी जो है वेस्ट ऑफ द इंडिया, तो तुम लोगों का आंसर करेक्ट है, विंध्या हो गया, सातपुरा हो गया, कैमूर, मैकाल हो गया, फिर वेस्टर्न घाट हो गए जिसमें सह्याद्री, सातपुरा है, सातमाला है,
है ना। और साउथ में चले जाएंगे तो नीलगिरी है, कार्डमम है, और इधर ईस्टर्न घाट्स है, उसमें भी सेवराय, जावड़ी है ना, अन्नामलाई, पालगोंडा, इस तरह के जो है बहुत सारे माउंटेन रेंजेस हैं हमारे कंट्री में। हम लिस्ट बनाएंगे, लेकिन आपको एक आइडिया दे रहे, क्योंकि चैप्टर रिलीफ है, तो हम लोगों ने इम्पोर्टेंट पीक, इम्पोर्टेंट ग्लेशियर, इम्पोर्टेंट रेंज, ये सब पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट हम लोग ये करेंगे, माउंटेन पासेस। माउंटेन पासेस में ऐसा इंदौर मिलेगा, या ऐसा एक इंदौर मिलेगा, दो तरह से इंदौर रहता है, छोटा सा क्रॉस किया हुआ रहेगा, या छोटा सा ऐसे जो है एक रास्ते जैसा हो सकता है, तो हम लोग पास बोलते हैं। तो ये माउंटेन पास के बारे में, फाइव इंपॉर्टेंट पासेस, चलो बहुत सारे हैं, तो हमको फाइव इंपॉर्टेंट पासेस से काम चल जाएगा। एक हम लिख दिए, काराकोरम पास, वेरी गुड। चलो, और कुछ इस तरह से जो है तुमको पास के बारे में मिल रहा है, तो वो जल्दी जल्दी टाइप करके, वेरी गुड, नाथुला, बराला, छाला, जेलेपला, बनिहाल, बरसिल पास, जो जिला सिपकिला, जिलेपला, मानाला, ऐसे करके जो है हमारे पास जो है इम्पोर्टेंट माउंटेन पासेस जो है वो पास हो गया नेचुरल गैप। नॉर्मली क्या होते हैं, इनको हम विंड गैप या कोल बोलते हैं, और उसी रास्ते में नदी भी जो है वो अपना रास्ता बना लेती है, दो माउंटेन के बीच में, दो नदी के बीच में, हाँ, खारदुंगला भी है, वेरी गुड। ऐसे ही हमको इम्पोर्टेंट पासेस के बारे में एक लिस्ट बना लेना है, और इसको हमको कुछ स्पेलिंग याद कर लेने हैं। और माउंटेन पासेस जो है रोहतांग, रोहतांग पास है, वेरी गुड। तो बहुत सारे, इसका मतलब कंसेप्ट तुम लोगों को क्लियर हो गया है, और जब पांच सात नाम लिख दिए हैं तो तुम्हारे पास और भी लिस्ट जो है बढ़ता जा रहा है, और उसके एक एक करके तो नाम जोड़ते जा रहे हो। चंगी ग्लेशियर भी है, चंगला भी है, पास ये जो हो गया हमारे इंपॉर्टेंट पासेस हो गया, पीक हो गया, ग्लेशियर्स हो गया, अब हिल स्टेशंस। अब हिल स्टेशंस का लिस्ट बनाओ, इस बार हम एक भी नहीं बताएंगे। तुम लोग कोई घूमने जाते हो तो, घूमने जाते हो तो हिल स्टेशन के बारे में जो है अब तुमको भेजना है, जो भी होगा अभी। वेरी गुड, कुल्लू मनाली, हाँ, दोनों है, बारह तीस का है, एक लाख लेंगे,
हिल स्टेशन की लिस्ट जो है। वेरी गुड, कुछ नाम हो गया, चलो लिख देते हैं। मसूरी, नैनीताल, शिमला और पहलगाम। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे भी हम लोग लिस्ट बना सकते हैं। महाबालेश्वर है और ऊटी है, और इसी तरह से जो है मैक्लियोडगंज, कसौली, धर्मशाला, कसौल, कुल्लू, मनाली, शिमला, छैल, वाह इतना सारा है, कुर्ग है, शिलोंग है। तो हमारे पास बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है, टूरिस्ट अट्रैक्शंस है जो इंडिया में घूमने आते हैं और अलग 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 नेचुरल जो है लैंडस्केप्स को देखने आते हैं। तो यही हो गया हिल स्टेशन। अब हिमालया जो है, हाँ कार्डमम हिल्स भी हो गए, तो ये हिमालया जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया एज ए फिजिकल फीचर, जिसमें हम लोग उनके तीन पैरेलल रेंज के बारे में पढ़े हैं, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, उनके फीचर्स हम लोग लर्न किए हैं, और हिमालयाज का भी कुछ मेन फीचर्स के बारे में जाने हैं। वो रिवर डिवाइड कैसे है, क्लाइमेटिक डिवाइड कैसे है, वो एक नेचुरल बॉर्डर है अगेंस्ट एनिमी इन्वेजन, यानी कि वो एक नेचुरल प्रोटेक्शन है इंडिया के लिए, और फिर वो एक यंग फोल्ड माउंटेन है जो है वो 2400 किलोमीटर उनकी लेंथ है, कॉन्वेक्स आर्क के शेप में इंडिया में हुआ है। ये सारी चीजें जो है उनको फिजिकल फीचर्स में पढ़ने मिला है। और अगर कुछ कुछ वर्ड्स होंगे तो वो तुम चैट सेगमेंट में भेज सकते हो। वहां महाबालेश्वर भी है इसके साथ। नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्दर्न प्लेन। हाँ ये जो है हम लोगों को अब एक आइडिया मिल जा रहा है, इंडिया के कुछ रिवर्स बना दिए हैं। ये तीन पार्ट में है, ये हो गया
ये हो गया। तो इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, दीज आर द थ्री मेजर रिवर्स विच हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालय। जब यहाँ हिमालय माउंटेन बना ले रहे हैं, यहाँ पे मेरे हिमालयन माउंटेन्स है, ये हिमालयन माउंटेन बन जाने के बाद इधर ही में हिमालय से ही नदी उतर के आए हैं और नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ है। और ये नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो प्लेन वर्ल्ड का मतलब क्या है? प्लेन में देवर। देवर। मतलब लेवल्ड समतल जमीन होते हैं और फ्लैट जमीन होते हैं, और ये काफी बड़ा है, दुनिया के बहुत इंपॉर्टेंट प्लेन एरियाज में से है, जो कि इंडस प्लेन। और अगर पाकिस्तान का ले ले तो ये यहाँ पे ही है, इंडस के ये जगह में है, ये पाकिस्तान। इंडो गंगेटिक प्लेन्स बोलते हैं कॉमनली, उसमें ब्रह्मपुत्र प्लेन्स भी है, इधर आसाम और अरुणाचल के पार्ट में वो कवर होता है, और इधर में मेरा जो है ये गंगा प्लेन्स के भी तीन पार्ट है, उसको भी देख। तो ये जो गंगा प्लेन है इनको हम लोग बोल रहे हैं अपर गंगा, मिडिल गंगा और लोअर गंगा, इसको बोल रहे हैं अपर, इसको बोल रहे हैं मिडिल, और इसको बोल रहे हैं लोअर। लोअर गंगा प्लेन बांग्लादेश में चला गया है और ये जगह हो गया सुंदरबन डेल्टा। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है, और वो बांग्लादेश में मैक्सिमम पार्ट है और इंडिया में भी है। और गंगा प्लेन को तीन पार्ट में पढ़ रहे हैं, अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन एंड लोअर गंगा प्लेन। बाकी मीनिंग तीनों का सेम है, फ्लैट है, लेवल सरफेस है, और इसमें जो है एलुवियल सॉयल का डिपोजिट हुआ है ना, एलुवियल सॉयल के डिपोजिशन से हुआ है। रुचि कुमारी पूछती है फिजियोग्राफिक वर्ड का मतलब क्या है? तो फिजियोग्राफिक वर्ड का मतलब ही है फिजिकल फीचर। जब हम कुछ कोई भी मान लो माउंटेन प्लेन प्लेटो है, उसकी मेजरमेंट करते हैं, उसकी लोकेशन को पढ़ते हैं, वो क्या चीज से बना हुआ है, कितने पहले बना हुआ है, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जब हमको मिल जाता है फिजिकल फीचर्स का, तो हम उसको फिजियोग्राफिक बोल रहे हैं, यानी उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। ग्राफिक मतलब होता है टू राइट अबाउट ए फिजिकल फीचर। एंड व्हाट वी राइट? वी राइट द हाइट, वी राइट द लेंथ और ब्रेथ और हाइट और थिकनेस और एनी अदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द फिजिकल फीचर, तो उनको हम बोल रहे हैं फिजियोग्राफिक डिवीजन। स्कूल लेवल में हम सिंपली फिजिकल डिवीजन, नेचुरल डिवीजन या ज्योग्राफिकल डिवीजन भी बोलते हैं। ये जितनी चीजें तुम लोग पढ़ रहे हो, ये सबको हम ज्योग्राफिकल फीचर, नेचुरल फीचर या रिलीफ फीचर भी बोल सकते हैं। तो ये हमने प्लेन की मीनिंग जान ली है, इट इज ए फ्लैट और लेवल्ड और फीचरलेस लैंड एंड इट इज क्वाइट वास्ट एंड इट इज फॉर्मड बाय द रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। इन लोगों ने जो है बहुत सारे सेडिमेंट्स को इरोड करके ले आया, हिमालय के माउंटेन से जो है लगातार 2400 घंटे ये इरोजन कर रहे हैं, और इरोजन करने के बाद उनको ला के ये लो लाइंग एरियाज में जो है उनको फिल कर रहे हैं। इधर में क्या है मेरा, ये जगह कौन है? सतपुरा है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स को विंध्या और सातपुरा रोक दिए, एक तरफ हिमालय है, दूसरी तरफ विंध्या और सातपुरा रेंज है। विंध्या और सातपुरा रेंज और हिमालय के बीच में जो एक घाटी या एक वैली बन गया है, या जो लो लाइन बेसिन बन गया है, इनको हम सिंपल वर्ड में हम बोल सकते हैं बेसिन, इंडो गंगेटिक बेसिन में बोल गया है। एक तरफ हिमालय की ऊंची ऊंची चोटी है, दूसरी तरफ विंध्या सातपुरा, तो ये इनको रोक देते हैं फर्दर में। तो गंगा नदी और भी ज्यादा हो सकता है यहाँ नीचे ऊपर जाती है, विंध्या फिर
रेंज और सतपुड़ा रेंज की वजह से गंगा और यमुना जो है और फर्दर साउथ में आ रहे हैं। इधर ही से जो है चंबल है, सिंध है, सोन है और ये जो नदी है उधर ज्वाइन किया है सब। ये विंध्या सातपुड़ा से भी नदी जो है गंगा में जाके ज्वाइन किया है। इनको साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। और इनको जो हिमालय से उतर के आए हैं, गोमती है, गंडक है, घाघरा है और कोसी है, तीस्ता है, ये सारे नदी जो है वो नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा है। ठीक है। और यमुना जो है वो गंगा का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। गंगा गंगा का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है यमुना। ठीक है। और यमुना में जुड़ने वाले ट्रिब्यूटरीज हो गए चंबल है और केन है, बेतवा है। ठीक है। सिंध है, केन है, बेतवा है, ये सब जो है यमुना में जाके जुड़ रहे हैं। एक नदी और है हमारे गया से भी थोड़ा सा दूर, अगर हम मुगल सराय तरफ जाते हैं तो देहरी ऑन सोन करके एक जगह आता है, तो सोन नदी भी इधर ही है जो कि गंगा में आके ज्वाइन किए हैं। ठीक है। ये हो गया मेरा नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन। और जो है कुछ हम लोग जो है बुक को और पढ़ते जाएंगे। और नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में और क्या बोल सकते हैं? क्या यहाँ पानी अवेलेबल है? नदी से पानी अवेलेबल है? यस नो, जल्दी रिप्लाई करो। सबका आंसर आ गया कि यहाँ पे हमको नदी से बहुत सारा पानी अवेलेबल है। और क्या यहाँ फर्टाइल सॉयल है? दूसरा क्वेश्चन, फर्टाइल सॉयल है? आंसर अगेन इज यस, फर्टाइल सॉयल है, वाटर है। क्लाइमेटिक कंडीशन मॉडरेट है क्या? फिर से रेस्पॉन्स, नया रेस्पॉन्स आ रहा है, 3 बार यस हो गए हैं। फर्टाइल सॉयल, प्लेंटी ऑफ वाटर एंड मॉडरेट क्लाइमेट। बस यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी हाई होना चाहिए कि लो? अब ये रेस्पॉन्स करो, क्या इस जगह का आबादी कम होगा कि ज्यादा होगा? अरे वाह, सबका आंसर आ गया है हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो नॉर्दर्न प्लेन्स आर हाईली पॉपुलेटेड रीजियंस ऑफ द वर्ल्ड। और ये फूड बोल भी बोल सकते हैं, ये फूड बास्केट या फूड बोल ऑफ इंडिया बोल लो, वर्ल्ड भी बोल सकते हो, ये जगह अनाज का कटोरा भी बोल सकते हो। ठीक है। तो ये सारे हो गए हैं। तो आज नॉर्दर्न प्लेन्स का जो भी अब कुछ बचेगा वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन ऑफ द प्लेन्स। चलो, एक क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब नदी जब दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं, जब वो खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, उनको हम डिस्ट्रीब्यूटरी बोल रहे हैं, है ना। जैसे यहाँ पे देखो डेल्टा बन रहा है ना, तो गंगा नदी डिवाइड हो गया, ब्रह्मपुत्र डिवाइड हो गया है, तो डेल्टा में हमको डिस्ट्रीब्यूटरी मिलते हैं। जो नदी आपस में जुड़ते हैं तो उनको हम ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। तो ये सारे ट्रिब्यूटरीज हो गए, यमुना, गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, तीस्ता, रंगीत, इधर दिहांग, दिबांग, बराक, ये सब जो भी नदी है वो सारे ट्रिब्यूटरी, सहायक नदी है। ठीक है। आज का क्लास अभी ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।